धन्यवाद आपका। और अनुभव कला संगम लास्ट पिछले वर्ष भी मैं यहाँ पर आया था और आने में पिछले वर्ष भी विलंब हुआ था, इस वर्ष भी विलंब थोड़ा हो गया। चौथा दिन हमारी इच्छा थी कि मैं शुरू में ही आप लोगों के साथ मैंने वचन भी दिया था कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा, परंतु कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ पाया। और पूरा आयोजन समिति और पूरा मैं तो परिवार ही बोलूंगा कि अभिनव कला संगम परिवार और इससे जुड़े हुए तमाम लोग जिन्होंने अपना खून पसीना और परिश्रम को लगा करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल और आज इस वर्ष नहीं पिछले 27 वर्षों से ये कार्य लगातार करते आ रहे हैं और इस परंपरा को और इस कार्य को आप लोग आगे भी लेकर के चलने का संकल्प भी है। निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर हम लोग जैसा कि कमलेश जी बता रहे थे एकदम पूर्ण प्रयास होगा कि सरकारी स्तर पर जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं या इसको इस चीज में लागत तरीके से हम लोग जो भी प्रयास संभव होगा सरकारी स्तर पर हम लोग सारा करेंगे। और निश्चित रूप से कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो सरकार की ये जवाबदेही और भूमिका भी है कि हम उसको निश्चित रूप से आगे लेकर के जाए। और हमें मीडिया जानकर के बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि स्वच्छता को लेकर के इस बार थीम जो मेन थीम है वो स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों ने रखा है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा या बहुत लोगों को जानकारी भी होगी कि हर प्रतिदिन 1000 बच्चे हर दिन, छोटे बच्चे जिनकी आयु 0 से 5 वर्ष, प्रतिदिन 1000 बच्चे डायरिया से मरते हैं और उनको मरने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो गंदगी के वजह से डायरिया होता है और डायरिया से बच्चे जो है सो मरे। 1000 बच्चे प्रतिदिन मरे। तो हम समझते हैं कि रोहतास में जो कार्य हम लोगों ने किया है तो कहीं ना कहीं से बच्चों की जिंदगी जो आदमी अब सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है, अपना छोटा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, सबसे ज्यादा प्रेम मोहब्बत करता है। और हम समझते हैं कि स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति हम लोग का जो संकल्प था उस दिशा में भी हम लोगों ने एक पिता होने का, एक माता होने का भी दायित्व हम लोग को जो निभाना चाहिए था हम लोग सारे लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके निभाया। कुछ दिन पहले मैं कॉमर्शियल जो टीवी पर आता है वो देख रहा था तो सचिन तेंदुलकर का कॉमर्शियल था तो उसमें उन्होंने वो बोल रहे थे कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आई गॉट फ्रॉम माय फादर वाज दैट ही गेव मी फ्रीडम टू प्ले। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बोला कि जो सबसे बड़ा एक बाप का अपना बेटा को सबसे बड़ा जो तोहफा जो गिफ्ट है वो उन्होंने दिया कि आजादी दी कि आपको जो करना है, अगर आप खेलने की इच्छा है तो आप बढ़िया से खेलिए, कभी उसको उन्होंने रोका नहीं। और हम समझते हैं कि तमाम जो कलाकार यहाँ पर उपस्थित है देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से यहाँ पर आकर के आप लोग नाटक का मंचन कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जहाँ से आप आ रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, जिस सोसाइटी से आप आ रहे हैं और जो स्टेज जो यहाँ पर देने का कार्य अभिनव कला संगम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो हम लोग का बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये स्वतंत्रता सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई स्वतंत्रता जो चीज़ हम करना चाहते हैं उस चीज़ की स्वतंत्रता, जो चीज़ हम सोचना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, तो सारी स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई जेल में बंद कर दिया तो हम गुलाम, पूरा देश में भी हमको घूमने की आजादी है लेकिन अगर बोलने पर पाबंदी है तो स्वतंत्रता नहीं। जो कार्य हम करना चाहते हैं अगर उसकी आजादी नहीं है तो अभी प्रतल होता है। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो कि उनका इनहेरेंट टैलेंट है, जो उनको जो भी प्रतिभा है तो वह भी इसके माध्यम से निकल करके आएगा। और अभी और अगला वर्ष हम लोग निश्चित रूप से 27वां वर्ष है, 28वां क्वार्टर सेंचुरी को आप लोगों ने बना लिया है और अब इसके आगे ही हम लोग को जाना है और पूरी शुभकामना है, पूरी बधाई है और
हम चाहेंगे कि आप